रीमा, मुझे लगता है हमने इस मंदिर में आके बहुत जल्दबाजी की है। देख अनु, मैंने तुझे साथ चलने को कहा था क्या? नहीं ना, तो तू डर के मारे कांप कर मेरे हॉस्टल को क्यों खत्म कर रही? अब जबकि यहां तक आ ही गए तो अंदर तो मैं किसी भी हालत में जाकर ही रहूंगी। और एक पल के लिए भी कुछ ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है तो हम भाग जाएंगे, समझी? अब चल। रीमा, वो देख। जो क्या? वैतालीमा, प्लीज आप मेरी मन्नत पूरी कर दो, फिर मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। तुम दोनों यहां कैसे घुस आई? ये कोई बागीचा या खेल का मैदान नहीं है। तुम जानती भी हो कि तुम कहां घुस आई हो? देखिए, वो अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो निकल जाओ यहां से। चल और मुड़कर कभी वापस मत आना। अपने परिवार के खातिर रीमा दीदी ने बिना कुछ सोचे समझे आधी जानकारी लिए उस वैताली वाले मंदिर पे चली गई थी, जहाँ पेड़ पे लटकती प्रेत आत्माओं को माध्यम बनाकर लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों के आत्माओं से बातें करते थे। 10 साल पहले पापा की हुई अचानक मौत ने तो हमारी पूरी फैमिली को एक दुख की अंधेरी खाई में धकेल दिया था। माँ सदमे से उभर ही नहीं पा रही थी, जैसे उन्होंने तो अपना आपा ही खो दिया था। रीमा दीदी ने उस मंदिर पे जाने का फैसला भी इसलिए लिया था ताकि वो पापा की आत्मा से संपर्क कर सके और माँ को दिलासा दे सके। मगर कुछ अच्छे करने के चक्कर में वो ये भूल गई थी कि आधी जानकारी कितनी भयानक साबित हो सकती है। अगर वहाँ जाना खतरे से खाली ना होता तो उस पुजारन ने हमें वहाँ से बाहर क्यों निकाल दिया? क्योंकि हमारी उम्र के लड़के लड़कियों को वहां जाने से मनाही है। उस खौफनाक वैताली मंदिर और उस डरावनी पुजारन के बारे में सुनते मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया था। क्यों, तूने क्या सोचा कि वो पुजारन हमारे स्वागत के लिए आई थी? जो भी हो, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। कितनी डरावनी जगह है वो, तूने देखा था ना पेड़ पे उस लटके हुए अजीब से कठपुतलियों को? कहते हैं कि उनमें तंत्र विद्या की मदद से आत्माओं को कैद किया जाता है। नहीं, अगर कोई बुरी प्रेतात्मा हमारे पीछे पड़ गई तो? तू? दीदी, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज जल्दी चलो। अब लौट कर आना। चुप हो जा, शांत हो जा बेटा। माँ, माँ प्लीज मत रो। तू चिंता मत करो, मैं तेरे पापा को लेकर आऊंगी। मैं इनको लेकर आऊंगी माँ। चल चल आराम कर। चल लेट जा, लेट बस बेटा, आराम कर।
काश ये सुरेश की मौत के सदमे से उभर सके, इसकी मदद कर। देखा ना, अब पता चला मुझे मंदिर जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। मैं सिर्फ माँ को थोड़ा सा दिलासा देना चाहती हूँ। मैंने उस मंदिर के बारे में जो कुछ सुना है वो गलत नहीं हो सकता। कठपुतलियों में कैद उन आत्माओं की मदद से मैं अपने पापा की आत्मा को भी किसी तरह ढूंढ ही लूंगी। कहीं सुनी बातों पर इतना विश्वास मत कर रीमा, हम जानते हैं कितना उस मंदिर के बारे में। मेरी बात मान, हम थोड़ा जांच पड़ताल कर लेते, उसके बाद मैं तुझे खुद उस मंदिर में लेके चलूंगी। तब तक तू उस मंदिर में नहीं जाएगी, मुझसे वादा कर। वादा करने के बावजूद तू फिर से यहाँ आ गई। I'm sorry, वो मुझे कुछ नहीं सुनना रीमा, चल अब। वो पुजारा वापस आके तू एक काम कर, तू उधर जाके चुप। वादा कर तू वहां फिर कभी नहीं जाएगी, और अगर गई तो तेरी मौत मुझे लग जाए। खबरदार मानने वाने की बात की तो मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है? अच्छा अब तू जा, मुझे ना पढ़ाई करनी है। अच्छा ठीक है, चल बाय। बाय। माँ, चुप जा तू उधर। देखते कि तुम जोखिम के लायक हो भी या नहीं। अगर इस कठपुतली में किसी आत्मा का वास है तो तुम्हारे होने का सबूत दो, सबूत दो। लगता है अनु ठीक ही कह रही थी, ये सब मनगढ़ंत है। एक आत्मा से उसके होने का सबूत मांग रही हूं, मतलब क्या हो गया है मुझे? कमरे में कोई आत्मा है?
तुम्हारे होने का सबूत दो। क्या तुम मेरे पापा की आत्मा को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हें तुम्हारी असली रूप में देखना चाहती हूँ। मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। ये क्या कर रहे हो दीदी? क्या कर रहे थे आप? वो कुछ नहीं, बस ऐसे। क्यों, तुझे क्या हुआ? नीचे खाने लग गया, दादी बुला रही है, चलो। हाँ मैं आई, तू जा। ये क्या कर रहे थे आप? मैंने कहा ना तुझे, तू चल। चल आप चलिए, मैं दादी की दवाइयां लेकर आती हूँ, ठीक है? ये क्या है? दादी वो ये कैसी कठपुतली है और ये यहां कैसे आई? तुम लोग सच कह रहे हो ना? चिंता मत करो, मैं कल ही पंडित जी को बुलवाकर ना घर पे हवन की तैयारी करवाती हूँ। तुम दोनों चलो मेरे साथ, चल। जब रीमा दीदी ने उस खौफनाक कठपुतली को घर लाने की वजह बताई तो मैं और भी ज्यादा डर गई थी।
मेरी कई मिन्नतों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्हें तो किसी भी कीमत पर पापा की आत्मा से संपर्क करना था, लेकिन इस जिद को तोड़ने का मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा था कि उनको कठपुतली के असली रूप से वाकिफ करवाना। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये मुझे नहीं मालूम थी, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो सच है। वो कठपुतली बहुत खौफनाक है। मुझे तो लगता है उसके अंदर कोई काली शक्ति छुपी है। आप जहाँ से लाए हो उसे वहीं छोड़ो प्लीज दीदी। अरे सुनो बेटा, आज तुम दोनों मेरे पास ही सो जाना। अभी नहीं दादी, मुझे ना एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। ठीक है। श्रुति को भी तभी टपक पड़ना था जब मैं आत्मा से बात करने में कामयाबी हासिल करने वाली थी। इसने सारे किए कराए पर पानी फेर क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आत्मा को सिर्फ मुझसे बात करनी है, क्योंकि मैं ही तो उसे हलाई हूं। शायद इसलिए उसने श्रुति को डराने की कोशिश की, क्योंकि उसे तो सिर्फ बात करने की मुझसे ही आदत है। मुझे कुछ भी करके उस कठपुतली को वापस लाना ही होगा। दादी ने तो उस कठपुतली को बाहर फेंक दिया था, तो फिर अंदर कैसे आ गई? अरे आ गई, हो गई तेरी तैयारी? हाँ कर लिया। जी चल सो जा। मुझे माफ कर दे अनु, मैंने फिर तुझसे झूठ बोला। मुझे तेरी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, लेकिन कल रात के वाक्य के बाद मुझे यकीन हो गया। मुझे इस कठपुतली को मंदिर से नहीं चोरी करना चाहिए था। मैं डर गई थी, एक पल के लिए रात में नहीं सोई। दादी का चपाला पकड़कर लेटी रही, शायद उसी छापमाले की वजह से वो आत्मा अपनी असली रूप में आने से कतरा रही थी। सुन, मैं इस कठपुतली को अगर वापस मंदिर रखने गई और मेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गए, तो मेरे परिवार को मेरे तरफ से एक संदेशा दे देना कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ उनके प्यार की खातिर। एक खींच के मारूंगी। तुझे लगता है मैं तुझे उस डरावनी जगह अकेले जाने दूंगी? पर तू समझ नहीं। परवर कुछ नहीं, और हम दोनों उस मंदिर में जाएंगे। पर रात को जब वो भयानक पुजारन चैन की नींद ले रही होगी तब। अंदर तो कोई नहीं है, चल। देख अनु, तू ना हॉस्टल वापस चली जा, क्योंकि मेरी गलती है, मुझे सुधारनी होगी। अगर तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पर रीमा, देख ये वक्त बहस करने का नहीं है, तू प्लीज चली जा। काम खत्म हो जाने के बाद मैं पक्का तुझे कॉल करूंगी, तू जा। ठीक है। मुझे इस कठपुतली को उसी जगह बांधना होगा जहां से मैंने उसको निकाला है।
जाने दो। को क्या हो गया? रीमा, रीमा उठो, रीमा, रीमा उठो, अपनी आंखें खोलो। मैं क्या करूं? रीमा, रीमा उठो। आत्मा को कैद करके रखोगे, पर मैं तो पिंजरा तोड़ के भाग गया। इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की, इसका कुछ आता पता नहीं। अनु को भी कब से फोन लगा जा रही हूँ, पर वो भी फोन नहीं उठा रही है। मेरा जी भी बहुत घबरा रहा है। मैं काम करती हूँ, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। बेटा तू है ना, अपनी माँ का ध्यान रखना, ठीक है? और सुन, इस बीच अगर रीमा आ गई ना तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? रीमा, तूने तो मुझे डरा ही दिया। कहाँ थी बेटा तू इतनी देर से? हम सबको कितनी चिंता हो रही थी। ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? देर हो गई थी इसलिए भाग कर आई हूं। दीदी, क्या हुआ? आपको पता हम कितना परेशान हो गए थे। अगर लेट होने वाली थी तो फोन तो कर देते ना आप। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। परेशान हो गए थे अगर लेट होने वाली थी तो फोन तो कर देते ना आप। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा।
क्या हुआ श्रुति, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? नहीं दादी, कुछ नहीं, आप चलो यहां से, दीदी को आराम करने दो, चलो चल चल। मुझे यकीन था कि वो मेरा वहम नहीं था। दीदी जिस बुरी बला को अपने घर लाई थी उसी ने दीदी को वश में कर लिया था। मैं ये जानती थी कि दादी की जपमाला ने मेरी दो बार जान बचाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि दादी की उस जपमाला की वजह से काली शक्तियाँ हम पर कभी हावी नहीं हो सकती, कभी हमें छू भी नहीं सकती। मगर दादी को ये सब चीज़ें बताने से पहले हमें एक और बुरी खबर मिल गई। बॉडी को पोस्टमार्टम ले जाओ। इतनी मासूम लड़की का इतनी बेरहमी से कौन कत्ल कर सकता है? उसी की खोज जारी है। वैसे आप दोनों तो काफी करीबी सहेलियां थी, क्या कोई ऐसा शख्स है जिसके पास अनु को मारने की वजह है? मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल पर क्या गुजर रही है। हमें तो सिर्फ इतना पता था कि वो लड़की हॉस्टल में रहती थी। अच्छा ये बताइए, आपकी तरह कोई और करीबी सहेली जिससे हमें कुछ पुख्ता जानकारी मिल सके? नहीं। आइए हम मंदिर में बैठ के बात करते हैं। आइए चल अंदर चल। नहीं रीमा, यही है वो दूसरी लड़की। ये दोनों लड़कियां आई थी इस बेताली मंदिर में, मैंने ही इन्हें डांट कर भगाया था। क्या ही सच कह रही? अनु लेकर आई थी मुझे यहाँ पर, लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद भी यहाँ पर वो क्यों आई ये मैं नहीं जानती। आंधी को कैद करने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर वो अपना कहर बरसाने से बाज नहीं आती। रीमा, मुझे मेरी कठपुतली वापस कर। आ, आ, ये क्या कर रही है रीमा? जैसी दुष्ट आत्मा को मैं अपनी पोती का बाल विवाह करने कर दूंगी। नहीं, नहीं। छोड़ दे मेरी दादी को, छोड़ दे, छोड़ दे मेरी दादी को।
तो क्या मेरी पोती एक दुष्ट आत्मा के वश में? अब समझ में आया कि रीमा ने आंधी का जिक्र क्यों किया था। वो रीमा के माध्यम से आत्मा बोल रही थी। बरसों से कैद, आजादी के लिए छटपटाती आत्मा, इन लड़कियों की बेवकूफी की वजह से उन आत्माओं को मन मर्जी की आजादी मिल गई। तो क्या रीमा को बचाने का कोई तरीका नहीं? श्रुति, यह पवित्र धागा कुछ देर के लिए उस आत्मा की शक्ति को कम करने में हमारी मदद करेगा, और इसी कम समय में हमें उस आत्मा को इस मंदिर में कैद करने की तरकीब सोचनी होगी। मगर याद रहे, ये नामुमकिन के बराबर है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, किसी भी तरह इसे जल्दी से जल्दी मंदिर की चौखट तक पहुंचाना होगा। क्या कोई और तरीका नहीं? जब कोई आत्मा किसी इंसानी शरीर पर कब्जा कर लेती है तो फिर कोई भी टोना टोटका उसे इस चौखट के अंदर नहीं ला सकता। आत्मा अपनी मर्जी से ये चौखट लांगेगी। बेचारी बच्ची को नहीं छोड़ेगी। चुपचाप इस चौखट के अंदर आ जा।
मुझे माफ कर दो दादी। नहीं बेटा। रुक जाइए। आप इस चौकट को पार नहीं कर सकती। ये आत्मा आपको भी नहीं छोड़ेगी। क्या फायदा इसी जिंदगी का अगर मैं अपनी पोती को इस दुष्ट आत्मा से नहीं बचा सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। नहीं दादी, आप ऐसा नहीं कर सकती। कुछ और रास्ता तो होगा ना? नहीं, नहीं है। और मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। आपकी पोती ने बिना पूरी जानकारी के उस आत्मा के साथ छेड़खानी की है। काश उस रात मैंने उन्हें यहाँ से निकालने की जगह उन्हें प्यार से समझाया होता। ये आत्माओं के साथ खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं समझी नहीं। मंदिर में कैद ये आत्माएं अतृप्त है। ये इंसानों के बनाए नियम नहीं मानते। इन्हें आजादी से घूमना, इंसानों को परेशान करने में मजा आता है। इसीलिए इस मंदिर की चौखट पर मंत्र फूके गए हैं ताकि ये आत्माएं यहाँ से भाग ना सके। अन्नू की लाश इसीलिए इस चौखट के आधी बाहर थी ताकि वो आत्मा उसके शरीर का पुल बनाकर ये चौखट लांग सके। इसीलिए इंसानों को इन प्रेत आत्माओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मुझ जैसी तंत्र विद्या में निपुण तांत्रिक इन आत्माओं को आजादी का लालच देकर इनसे अपने काम करवाती है, दूसरी प्रेत आत्माओं से संपर्क करवाने के लिए विवश करती है। और अगर किसी इंसान ने इनके साथ छेड़खानी की तो वो उस इंसान का जीना दुश्वार कर देती है। वो आत्मा इस कैद में तब तक नहीं आएगी जब तक उसे आजादी से बड़ी लालच न दी जाए। और वो लालच क्या है? संगत के लिए एक मासूम आत्मा। रीमा को इस आत्मा के चंगुल से बचाने के लिए हमें एक पवित्र आत्मा की बलि देनी ही होगी। तो ले लीजिए मेरी जान, मार दीजिए मुझे। मैं अपनी पोती के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। चढ़ा दीजिए मेरी बलि। नहीं दादी। देख, मैं तुझे आखिरी चेतावनी देती हूँ। इस चौखट को पार कर और अंदर आ जा। नहीं। सब मेरा किया था और अब यही मेरी करने की प्रायश्चित है। मेरी इस नादानी की वजह से मैं नहीं चाहती कि कोई और घायल हो। मुझे क्या पता था मेरी जिद की वजह से मैं अपने परिवार को खो दूंगी। हमारे खातिर रीमा दीदी ने बिना सोचे समझे ये खतरा उठाया और अपनी जान गंवा बैठी। लेकिन एक 14 साल की बच्ची ने दुनिया देखी ही कितनी थी। उसे तो सिर्फ एक जिद थी कुछ पाने की, लेकिन ये जिद बन गई एक मौत का कारण।